नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो नारी में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। फैशनेबल दिखना हो या ट्रेंडी दिखना हो या फिर ब्यूटीफुल, अधिकतर महिलाएं अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए लेती हैं मेकअप का सहारा, क्योंकि मेकअप आपकी ब्यूटी को एनहांस तो करता ही है, साथ ही आपके चेहरे के फ्लॉस को भी छिपाता है। लेकिन मेकअप करने से पहले बहुत जरूरी है आपको ये पता हो कि आखिर किस तरह का लिप शेड या आई शेड आप पर सूट करेगा, कौन सा कलर इन दिनों ट्रेंड में है, किस तरह के कॉस्मेटिक का चयन करना चाहिए ताकि आपकी स्किन को भी ज्यादा नुकसान ना हो और आप किसी फैशन आइकॉन से कम भी ना लगे। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से अपने हिसाब से आप कॉस्मेटिक्स का चयन कर सकती हैं और कौन सा कलर इन है, इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सकती हैं। और चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं नारी की। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा। भारती तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, किसी तरह से आपको लगता है कि आपके चेहरे में किस तरह का कोई फ्लॉ है और आप फ्लॉलेस स्किन चाहती हैं, या फिर चाहती हैं कि जो आपका मेकअप है वो आपके फेस के अकॉर्डिंगली है, आपको किस तरह का मेकअप करना चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 1800-1804565। इसके अलावा आप हमें 01202488881 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंगली या फिर अपने फीचर्स के अकॉर्डिंगली अच्छा मेकअप ले सकती हैं, कॉस्मेटिक्स का किस तरह से आपको चुनाव करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, कौन सी बेसिक ऐसी चीजें हैं, कौन से बेसिक ऐसे रूल्स हैं मेकअप के लिए जो आपको लगता है कि हर किसी को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए मेकअप करने से पहले। जी भारती जी, देखिए जब भी आप मेकअप की बात करते हैं बहुत सारी बातें मैटर करती हैं। पहली बात तो मैटर करता है आपकी स्किन, स्किन कैसी है। स्किन ऑयली है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का चूज करेंगे जो कि ऑयली स्किन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। आजकल सबसे अच्छी बात है कि सब तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग स्किन के लिए, अलग अलग आपके कलर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो स्किन के हिसाब से आपको अपनी स्किन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कैसी है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स चूज़ करें। फिर आप चूज़ करेंगे अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसमें बेस है तो आपका कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। फिर आप अपने जो कपड़े पहन रही हैं उसके हिसाब से चूज करेंगे, कपड़े आप क्या पहन रही हैं उनके कलर्स के हिसाब से आपको बहुत सारी चूज करनी पड़ेंगी चीजें। इसके अलावा फंक्शन क्या है, छोटा सा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, वहाँ पे लाइट्स कैसी होंगी, थोड़ा अंधेरा रहेगा या बहुत सारी लाइट्स होंगी, तो उन सबको भी देखना पड़ेगा कि क्या ओकेजन है उसके हिसाब से। तो बहुत सारी चीजों का चुनाव, बहुत सारी चीजों को ध्यान रख के चुनाव करना। बिल्कुल, एक चीज आपने बहुत सही की कि फंक्शन को जरूर ध्यान में रखें कि किस तरह का फंक्शन है। कई बार होता है कि फेयरवेल पार्टी है, छोटी सी फेयरवेल पार्टी है, अगर आप बहुत गॉडी सी बनके चली जाती है थोड़ा सा ऑड लगता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम वैसे ही हम जा रहे हैं, कोई कैजुअल सा फंक्शन है, हमने ज्यादा मेकअप नहीं लेना है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है, आजकल कॉलेज गर्ल्स को देखा जाए तो काफी ज्यादा उनके सेंस में रहता है कि आजकल इन क्या है, ट्रेंडी क्या है, फैशनेबल कैसे दिखेंगे, तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आजकल आप अगर आपको वैसे ही घूमने जाना है कहीं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का आई शेडो आप अप्लाई करें? पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेकअप करें ना कि ब्रेकअप। ऐसा मेकअप जो ज्यादा दिखाई ना दे, स्पेशली जब आप घूमने जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हल्के फुल्के फंक्शंस हैं तो बहुत ही लाइट मेकअप करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा बेस लाइट करती हैं, लिप्स को बिल्कुल न्यूड रख लेती हैं, तो फिर आप आई मेकअप को बहुत हाईलाइट कर सकती हैं। जैसे कि लड़कियों को होता है कि लिप्स को ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं होती, आईज को ही हाईलाइट करती हैं। तो उसमें आजकल देखिए, मेकअप के ट्रेंड्स कपड़ों के ट्रेंड्स के साथ चलते हैं। आजकल कपड़ों में हो या मेकअप में हो, ट्रेंड जो है वो नियॉन का है। आप देखिए, ग्रीन कलर, जो नियॉन ग्रीन है, नियॉन येलो है, नियॉन ऑरेंज है, एंड इवन पिंक, मैजेंटा पिंक, जो कि
जनरली नहीं होता था, तो ये सारे कलर्स इन है, तो नेचुरली जब आप मेकअप करेंगे तो उन्हीं कलर्स को चूज करेंगे। या तो मेकअप करते वक्त जब हम आई मेकअप की बात करें, आइदर इट इज मैचिंग टू योर ड्रेस, तो आपके अगर आपने ऑरेंज पहना है तो आप ऑरेंज ही कर सकते हैं, पिंक पहना तो पिंक ही कर सकते हैं, ब्लू पहना तो ब्लू भी कर सकते हैं, लेकिन या उनसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं। आपने ब्लू पहना तो पिंक कर लीजिए, ऑरेंज के साथ आजकल पिंक अच्छा लगता है, पिंक के साथ ऑरेंज अच्छा लगता है, तो आप इनको आपके मन की इच्छा के ऊपर है कि क्या करना चाहिए, आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हैं उसके साथ या तो कॉम्प्लीमेंट कर लें या फिर मैच कर लें। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एमपी से है नेहा, इनका नाम है नेहा, अपना सवाल कीजिए। नेहा आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल कर सकती हैं भारती जी से। हेलो मैम। जी जी हेलो जी नेहा, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें, आप अपना सवाल कीजिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा ऑयली है, तो मैं किस तरह का मेकअप करूँ, कभी मेकअप करती भी हूँ तो वापस ऑयली हो जाती है। देखिए आपकी स्किन ऑयली है तो सबसे पहले आपको ध्यान करना चाहिए कि फेस को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट लें कॉटन में और उससे पूरे फेस पे थपथपा लें, जिससे कि आपका जो ऑयली स्किन जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप एस्ट्रिंजेंट ले सकती हैं, स्किन टोनर ले सकती हैं, और कुछ भी नहीं हो तो घर में बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए, मलमल के कपड़े में डालिए, पूरे स्किन के ऊपर उसको फिराएं और फिर उसके बाद एक दो मिनट इंतजार करें, जब वो सूख जाए जितना भी गीलापन है तो फिर मेकअप शुरू करें। और मेकअप जब आप कहती हैं तो मेकअप के प्रोडक्ट्स ऐसे जो अवेलेबल हैं ऑयली स्किन के लिए उनका इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें जब भी आप जाएं तो वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है कि आजकल टू वे केक्स मिलते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, उसके साथ एक छोटा सा स्पॉन्ज रहता है, स्पॉन्ज को गीला करके टू वे केक को पूरे फेस पे लगा लीजिए, आपका स्किन जो है वो बहुत एकदम खूबसूरत भी लगेगी, नीट भी लगेगी, ज़्यादा भी नहीं लगेगा और टिका भी रहेगा। और छोटा सा टू वे केक होता है उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आई शेडो बाकी सबका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए जो फ़र्क पड़ता है वो मेन फ़र्क है बेस का। रानी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, रानी अपना सवाल कीजिए। हेलो जी रानी, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्ते मैम, मैं शुभ से बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते बोलिए। क्या ना मेरी स्किन बहुत ऑयली है और मतलब चेहरे पे बिल्कुल भी चमक नहीं रही है, तो क्या करना चाहिए? स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन वैसे ही चमकती रहती है, लेकिन अगर आपको वैसे लगता है कि अदरवाइज डल हो रही है तो इसके लिए आप मेकअप की बात करना चाह रही हैं या स्किन की अच्छा करने की बात कर रही हैं? स्किन को अच्छा करने की बात। हाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं है शायद, और करना भी हो तो बहुत लाइट किया जा सकता है। ऑयली स्किन के लिए आपको चाहिए कि आप रोज़ स्क्रब कर सकती हैं, स्क्रब घर में बनाना चाहे तो घर में भी बना सकती हैं। आप थोड़ा सा चंदन पाउडर लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और उसके अंदर मिला लीजिए खसखस के कुछ दाने और इनको मिला के रख लीजिए। हर रोज़ इसमें कोई स्किन टोनर एस्ट्रिंजेंट जो भी आपके पास हो आप अपने बाथरूम में रख लीजिए। अगर कोई ऑरेंज स्किन टोनर वाइटामिन सी वाला स्किन टोनर रखें तो बहुत ही अच्छा, मिला के उसको फेस को स्क्रब करें और स्क्रब करने के बाद 5 मिनट अगर इंतज़ार कर सकती हैं तो कर लें और उसके बाद नहा लें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। नेहा दिल्ली से अपना सवाल करना चाहती हैं, नेहा सवाल करिए। हाँ बोल रही हूँ मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो काजल कैसे हम यूज करें, क्योंकि काजल यूज करने से आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, और काजल कैसे उतारा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो अंडर आई स्किन है वो काजल की वजह से शायद खराब हो रही है, डेली उतारना लगाना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे काजल यूज किया जाए, उसे उतारा कैसे जाए। वैसे मैं आपको बताऊं, काजल की वजह से स्किन में डार्क सर्कल्स आ ही नहीं सकते। आप जब काजल लगाती हैं अपना काजल की आप मुझे लगता है ब्रांड बदल लीजिए, आजकल काजल मिलते हैं जो बहुत देर तक टिकते हैं, 8 घंटे तक टिकते हैं, तो आप वो वाला काजल लगाइए जो ज़्यादा देर टिकने वाला है। आप किसी भी अच्छी मॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि जो 8 आवर्स टिकने वाला काजल हो वो लगाइए। और काजल को बिल्कुल आप अंदर लगाने के बाद अगर ज़रा सा लाइनर वाटरप्रूफ लाइनर लगा लें तो बाहर निकलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, और अगर दूसरा कोई लगा रहे हैं तो जल्दी से दोबारा लगा लीजिए, लेकिन स्मज होने के चांसेस होते हैं, स्मज होता है तो कालापन आता है। काजल की वजह से कभी भी अंडर आई डार्क सर्कल्स नहीं आ सकते,
वैसे आपको एक मैं एक और अच्छी सजेशन देना चाहूँगी, वो है परमानेंट काजल। आप चाहें तो परमानेंट एक काजल लगवा सकती हैं, हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे लगाने में, और कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और उसको लगवाने के बाद आप सारी ज़िंदगी के लिए, हम 15 साल बोलते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आप फ्री हो जाएंगी, आपको काजल लगाना ही नहीं है, आप दिन रात सुबह शाम किसी वक्त बहुत खूबसूरत लगेंगी। चलिए, काजल की जैसा कि बात की इन्होंने कि काजल इनका बहता है तो उन्हें लगता है कि शायद डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, अधिकतर केसेस में मैंने देखा है अगर आप वाटरप्रूफ काजल भी ले लेते हैं, पानी आंखों से निकलता रहता है, वो काजल बहता रहता है। वो पानी किस वजह से निकलता है, क्या वो काजल का ब्रांड ऐसा होता है या फिर क्या वजह होती है? वाटरप्रूफ काजल तो कभी भी निकलेगा ही नहीं, वो पानी में घुलेगा ही नहीं, ना आंसू में घुलता है। अगर फिर भी बह रहा है तो आप अपने काजल का ब्रांड देखिए, चेंज कीजिए। कभी कभी एक्चुअली काजल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप हो सकता है एलर्जिक हों, तो क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाते वक्त बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो जो केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट करें, हो सकता है कोई और केमिकल आपको सूट करता हो, कोई एक केमिकल ना सूट करता हो, आप चेंज कर सकते हैं। और वैसे घर में भी काजल बना सकते हैं, आप रुई की बत्ती लें, उसमें थोड़े से बादाम को पीस के उसके अंदर ही डाल लें और बत्ती बना लें, और उसमें तेल ऑलिव ऑयल डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छा बादाम का तेल डाल सकती हैं, उसका जलाएं, उसको ऊपर से ढक देते हैं तो थोड़ा सा दिखना भी, थोड़ा सा हवा आ जानी चाहिए, तो जब पूरा तेल ख़त्म हो जाता है तो ऊपर कटोरी के अंदर आपको काजल दिख जाता है, कालापन आता है, उसको काजल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बना हुआ काजल लगाइए, ऑलिव ऑयल का या बादाम ऑयल का, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली कॉलर है श्वेता गाजियाबाद से। श्वेता अपना सवाल कीजिए। श्वेता मेरी आवाज, जी जी सवाल कीजिए श्वेता। हेलो। यस श्वेता बताइए। मैम मेरी नॉर्मली स्किन एक तो ऑयली है और मैम स्वेटिंग बहुत होती है। जी जी, तो मैम नॉर्मली स्वेटिंग होती है, मैं मेकअप कर लो तो और ज्यादा स्वेटिंग होती है। मैम ऐसा कुछ बताइए कि जनरली भी स्वेटिंग कम हो मेरे। देखिए जनरली स्वेटिंग की जो जिनकी स्किन में ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो सुबह स्क्रब कर सकते हैं, दिन में दो तीन बार एस्ट्रिंजेंट से क्लीन कर सकते हैं तो स्वेटिंग कम होगी। वैसे स्वेटिंग को हटाना तो बहुत मुश्किल काम है कि स्वेटिंग कम हो जाए। सुबह आप किसी एरोमेटिक ऑयल की 2 बूंदें डाल के पानी में से उस पानी से नहाएं तो कम से कम स्वेटिंग जो होगी उसकी स्मेल नहीं होगी, ये आप कह सकती हैं। और स्वेट करती तो मैंने अभी स्क्रब बताया था बिल्कुल इस प्रोग्राम के शुरू में, आप कोई भी स्क्रब मॉर्निंग में इस्तेमाल करेंगी तो एक बार स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। और बाकी आपके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के लिए, वो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें, और साथ में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप एक 2-way cake साथ में रख लीजिए। जिन लोगों की स्वेटिंग ज़्यादा होती है वो 2-way cake रख सकते हैं, एक पफ रख सकते हैं, उसे जब भी चाहें हल्का सा टचअप कर सकते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह का मेकअप आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का मेकअप आप यूज़ करके अपनी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना सकते हैं, क्योंकि मेकअप बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कभी कभी अगर आपको अपनी जो ब्यूटी है उसको एनहैंस करना है, जो अच्छे फीचर्स हैं उसको एनहैंस करना है, और जो आपको लगता है कि थोड़े से ये फीचर्स शायद आपके फेस पे सूट नहीं करते तो उनको थोड़ा सा अगर आप लाइट दिखाना चाहते हैं तो मेकअप काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको पहचानना कि किस तरह से आप मेकअप करें, कैसा मेकअप आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, ये सब की जानकारी हमें दे रही हैं भारती तनेजा जी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत आएंगे। आयोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है नारी में, और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा जी, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह का मेकअप आजकल इन है, किस तरह का मेकअप करके आप अपने आप को प्रेजेंटेबल शो कर सकती हैं सभी के सामने। तो भारती जी, हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और ब्रेक के दौरान आप बता रही थी कि कॉम्पैक्ट और 2-way cake जिसकी आपने अभी बात की,
उसके में क्या फर्क है, तो वो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पहले कॉम्पैक्ट अवेलेबल होता था बिकॉज पहले हम लोग यूज भी करते थे फाउंडेशन, जनरली अगर हम बात करें तो फाउंडेशन का इस्तेमाल करते थे, तो फाउंडेशन लगाया और फिर पाउडर लगाया, तो ये दो चीजें खुद लगाना भी मुश्किल काम है, कुछ लोगों को समझ नहीं होती कैसे लगाना और थोड़ा टाइम भी लगता है। तो एक क्विक तरीका था कि कॉम्पैक्ट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, तो आपने लगाया और आपका दोनों चीज़ों का काम हो गया। उसी तरह से अभी जो वाटर प्रूफ हम मेकअप करते हैं, बेस लगाते हैं, पहले बेस लगाएंगे उसके बाद पाउडर लगाएंगे, तो दो चीज़ें लगाएंगे, एक लगाने के लिए टेक्निक चाहिए, चीज़ें दो चाहिए, टाइम चाहिए। और जो घर में जो लोग जल्दी जल्दी से काम करना चाहते हैं उनके लिए आसान तरीका है कि टू वे केक लगाएं विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्रूफ मेकअप, वाटर प्रूफ बेस एंड पाउडर टुगेदर, तो उसके बाद कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो पाउडर के फॉर्म में होता है। आप स्पॉन्ज को गीला करके अगर लगाएंगे तो ज़्यादा देर टिकेगा, अगर सूखा लगाएंगे थोड़ा कम देर टिकेगा। तो स्पॉन्ज को गीला कीजिए, टू वे केक लगाइए पूरे फेस पे, तो बहुत देर तक टिकता है, वाटर प्रूफ बेस होता है, तो इट इज़ लिटिल हैवियर और आपकी स्किन को बहुत स्मूथ एक अच्छे से फिनिश दे देता है। जी भारती जी, हम जब मेकअप की बात करते हैं तो आई मेकअप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर दूसरी चीज आती है लिप्स शेड की, कि आपने किस तरह का लिप शेड लगाया है। जैसे कि आपने बताया कि आई मेकअप जो आपके कॉस्ट्यूम है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए या फिर मैचिंग होना चाहिए, तो लिप शेड का हम कैसे चुनाव करें, क्या वो आई मेकअप से मिलता जुलता होना चाहिए? देखिए लिप शेड तो हम लोग कॉम्प्लीमेंटिंग भी हो सकता है और मैचिंग भी हो सकता है, जैसे आप ब्लू पहने तो लिप शेड तो ब्लू होगा नहीं, तो ब्लू के साथ पिंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, अगर आपने ग्रीन पहना है तो ग्रीन में रेड कॉम्प्लीमेंट करता है। आप अगर आपने आई मेकअप बहुत हैवी किया है, अच्छे से आईज को आपने हाईलाइट किया, तो लिप्स जो हैं वो लाइट ही होने चाहिए, तो अगर ग्रीन पहना है तो रेड लगा देंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा, तो रेड के ही अलग अलग शेड्स होते हैं, टिंच रेड रहना चाहिए, टिंच उसका रेड रहे, लेकिन रेड के लिए आप थोड़ा सा पीच से लेके डार्क रेड तक कोई भी शेड उसमें से लगा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ मेकअप, डिपेंडिंग अपॉन द यू नो आई मेकअप के, आपने आई मेकअप कितना ज़्यादा किया है, और बिल्कुल आई मेकअप आपने न्यूड किया है तो एकदम ग्रीन के साथ रेड लगा सकते हैं, ब्लैक है तो ब्लैक के साथ कुछ भी लगा लीजिए, रेड भी लगा सकते हैं, पिंक भी लगा सकते हैं, आप पीच भी लगा सकते हैं, ब्राउन भी इवन चलता है ब्लैक के साथ, लेकिन अगर आपने पर्पल कलर के कपड़े पहने हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पिंक से लेके पर्पल तक कोई ना कोई आप शेड लगाएं, तो आपके कपड़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या मैच करेंगे। पिंक अगर बेबी पिंक पहना है तो नेचुरली बेबी पिंक, थोड़ा लाइट या डार्क वही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, नेहा। नेहा सवाल कीजिए अपना। जी नमस्ते मैम। जी नेहा नमस्ते। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते नेहा, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी, मेरे फेस पे एक्चुअल में मैम दाने निकले हैं बहुत। जी आप... और जो दाने निकले हैं तो वो दाने अभी भी हैं, और जो फेस पे मतलब थोड़े डटे टाइप के हो जाते हैं ना वो हो गए हैं। जी और जो कलर है कलर भी बहुत डल हो गया और ग्लो नहीं है चेहरे पे बिल्कुल भी, तो क्या आप क्या पूछना क्या चाह रही हैं, कैसा मेकअप करें या स्किन को कैसे ठीक करें? स्किन के लिए आई थिंक स्किन की बात करना चाहते हैं। आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, आपने अभी बताया कि पिंपल्स निकल रहे हैं, पिंपल्स के गड्ढे भी हैं। पहली बात तो जब पिंपल्स निकले होंगे तो गड्ढों के लिए ज़्यादा काम किया नहीं जा सकता। आप पिंपल्स के लिए घर में नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते लेके उनका रस निकाल के पिंपल्स के ऊपर लगाइए, तो आपके पिंपल्स हैं वो दब जाएंगे। और साथ में खूब सारा पानी पीजिए, ऑयली खाने को थोड़ा सा कम कीजिए, सफाई पे ध्यान दें कि अपनी स्किन को क्लीन रखें, और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहे तो किसी डॉक्टर से मिलके आप कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं जिससे कि आपके कोई एंटीबायोटिक दी जा सकती है, उनको ठीक किया जा सकता है। अगर पिंपल्स आपके नहीं हैं और जिस दिन ख़त्म हो जाते हैं तो आप गड्ढों पर काम कर सकती हैं, जैसे गड्ढों पर घर में गड्ढों को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई वी ऑन के, आप वो कैप्सूल तोड़ के अपने फेस पे लगा सकते हैं, रोज़ स्क्रब कर सकती हैं, लेकिन गड्ढों के लिए एक्चुअली स्पीकिंग आपको किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाके लेज़र ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेज़र माइक्रोडर्मोविजन ले सकती हैं, कोई केमिकल पील ले सकती हैं, और उसके बाद मास्क लगवाइए जिसमें कॉलेजन रहे, घर में कॉलेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ठीक करेगा।
तो चलिए आज हमने प्रोग्राम में लगातार बात की कि किस तरह से आप अपनी स्किन को, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सकती हैं मेकअप के जरिए. लेकिन मेकअप करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, कौन सी किस तरह का कॉस्मेटिक आपको यूज करना चाहिए और किस तरह का मेकअप आजकल इन है, इस सब की जानकारी दी हमें भारती तनेजा जी ने. भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो चलिए फिलहाल नारी में आज के लिए इतना ही. आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार.